झारखंड से आए जमशेदपुर से, और पहले बहुत खराटा होता था, सोने में बहुत तकलीफ था, लेकिन अब एकदम अच्छा है। तो जब आपने टेस्ट कराया था तो एक घंटे में कितनी बार आपकी सांस अटक जाती थी? 65 से 70 बार। एक घंटे में मतलब 60 मिनट में 65-70 बार सांस अटक जाती थी, और आप इनको रात में देखती थी तो क्या होता था, झटके कैसे लगते थे? बिल्कुल लगता था छटपटा, कैसे सांस रुक रहा है उस तरह से एकदम। फिर थोड़ा पानी उनी देते, गला सूखने की वजह से फिर पानी देते तो थोड़ा सा ये होता, जगा जगा के रखते थे। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से वहाँ TMH में दिखला, उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर विकास अग्रवाल हैं, उनसे जा कर के मिली और उन्हीं से ठीक होगा। फिर हम लोग एक महीना इंतज़ार करते करते फिर किसी तरह पता किए एक रिश्तेदार के यहाँ आकर के, फिर यहाँ ऑपरेशन करा के आज 15 दिन हो गया है और सभी चीज़ ये कंट्रोल में है, और खराटा बिल्कुल नहीं है। सांस भी जो ऑक्सीजन में दिक्कत हो रहा था वो अभी 90% तो ले ही रहे। झटके आते हैं? नहीं आते, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आते, झटके सांस बिल्कुल नहीं रुकती नहीं, है नहीं। और खराटे भी नहीं। तो अभी क्या ऑक्सीजन की क्या कमी है? पहले ऑक्सीजन की बहुत कमी था, बोलते ना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, उस वजह से इनको हार्ट अटैक का बोले थे पूरे फुल चांस है। उसके बाद फेफड़े में नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन, तो उसमें आपको पैरालिसिस का डर है। इन सब बातों को देखते हुए हम लोग यहाँ आए, और नींद अच्छी आती है, नींद भी अच्छी आती है, सब चीज़ लग रहा है कि ठीक है एकदम। और जितने अच्छे विकास अग्रवाल जी, जितने अच्छे डॉक्टर हैं, उससे अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको बहुत बहुत तरक्की मिले।